Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I am making a daily routine vlog. मैं कुछ डेज पहले कराची गई हुई थी. कराची से वापस आ गई हूँ और I am working on the कराची series vlog. आज कुछ थोड़ी रूटीन में बेहतर हुई है तो मैं आज ये vlog बना रही हूँ. Guys, बहुत से comments आए थे कि आप अपनी daily की routine बताएं, share करें. ये most requested video है. I hope आपको पसंद आएगी. So चलें video start करते हैं. आज मैं ये वाली कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा कुछ ख़ास दिल में चाह रहा कॉफ़ी बनाने को, तो मैं अभी ये वाली कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ. और अभी फिर एग बॉईल करूँगी और एक ब्रेड का पीस लूँगी. मुझे हाफ कप भी दिल चाह रहा था कॉफ़ी का, तो फिर बस इतनी कॉफ़ी पीऊँगी. और ब्रेड मैंने टोस्ट कर लिए और एग बॉईल कर लिया. नाश्ता करने लगी हूँ. और हाँ गाइस, आपको दिखाती चलूँ, कल मैंने अपने घर के लीमू तोड़े थे वो ये रहे. ये हमारे अपने घर के लीमू हैं. तो बस मैं जल्दी से सिंपल सा नाश्ता कर लेती हूँ ये, फिर जल्दी से. अब्दुल्ला अभी उठ गया था जब तक मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी, फिर अब्दुल्ला उठ गया था और बस अभी इसको सुलाया. फिर मैं अभी अपना नाश्ता करने लगी हूँ. मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बस अभी मैं हेल्पर को फ़ोन करती हूँ कि मैं अपने घर आ गई हूँ. आई एम बैक टू माई रूटीन. सो उसको बुलाती हूँ कि आ जाओ भी काम पर. तो तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़. गाइस, क्योंकि मैं कराची से आई हूँ तब से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है. तो जब तक मैंने कहा टाइम है थोड़ा सा, तो फिर मैं ये क्यों ना यूज़ कर लूँ डर्माकॉल्स का ये मास्क. तो अभी मैंने क्लिंजर और स्क्रब यूज़ करके उसके बाद मैंने कहा मास्क लगा लेती हूँ. मैं ये वाला मास्क यूज़ करने लगी हूँ. और बस ये मास्क मैंने मुंह पे लगाया और अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको वॉश कर लूँगी. 20 मिनट्स बाद इसको वॉश करना है और फिर बस थोड़ी सी स्किन बेहतर हो, ताकि मेरी स्किन इतनी ड्राई होगी कराची जाके के आपको बता नहीं सकती. बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है. सो बस मैं इसको वॉश करती हूँ, थोड़ी देर में मेरी हेल्पर आ जाएगी. फिर काम शाम मुझसे करवाऊँगी और बस फिर देखती हूँ खाना शाना बनाऊँगी. चलिए, आज तो आप मेरे साथ ही हैं, बताने की क्या ज़रूरत है. गाइस, से मैंने मसाला बना लिया है और दाल मैंने ये बॉईल कर ली है. गाइस, बस मैं खाना बना चुकी हूँ. अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, फिर अब्दुल्ला को शावर दिलाऊंगी और फिर रोटियाँ बनाऊंगी और फिर खाना सर्व करूँगी. खाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे. अब्दुल्ला के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और फिर देखती हूँ और क्या करूँगी, दो आपके साथ शेयर कर दूँगी. आज क्योंकि पूरे दिन आप लोग मेरे साथ हैं और मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाती रहूँगी कि मैंने आज दिन में क्या क्या किया. सो स्टे ट्यून्ड. अभी मैं ये दाल खाने लगी हूँ और एक चपाती, बस ये मैंने बना लिया है और बस मैं अभी ये खाऊँगी दोपहर का खाना. गाइस, सब खाना शाना खा के और चाय वगैरह पी के मैं फ्री हो गई हूँ और असर की अजान हो रही है. और फिर मैंने कहा कि क्यों ना लेमन ग्रास काट ली जाए, क्योंकि जो मैं लेमन ग्रास फ्रेश यूज़ करती हूँ कभी कभी, अगर उसको ड्राई भी कर लूँ तो तब भी यूज़ कर लेती हूँ. लेकिन जब से मैं गई हुई थी कराची फिर मामा के घर, उसके बाद से लेमन ग्रास ख़त्म हुई हुई थी. मैंने कहा चलो आके इकट्ठी कट करूँगी, तो अब मैं लेमन ग्रास कट करने लगी हूँ और फिर उसको ड्राई करूँगी. अगर दिल चाहे तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं. फ्रेश भी यूज़ करें तो उसका भी कोई मसला नहीं है, कावा आपका वैसे ही बनता है. तो मैं जो कावा यूज़ करती हूँ, कावा बनाती हूँ, ग्रीन टी जिसको आप बोलें, तो वो मैं लेमन ग्रास के बनाती हूँ. सो मैं अभी लेमन ग्रास कट करने जा रही हूँ जो कि मेरे गार्डन में लगी हुई है. सो लेट्स गो गाइस. ये लगी हुई है लेमन ग्रास, अब मैं इसे कट करने लगी हूँ. ये देखिए मोतिया भी लगा हुआ है और वो देखें ये जो बेल है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको भी कट करवाना है.
गाइस ये लेमन ग्रास मैंने कट कर लिए और कुछ मैं इसको ड्राई और कुछ मैं इसको ग्रीन ही यूज़ कर लूँगी। ये अब्दुल्ला जी बच्चे क्या कर रहे हो? नो 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 जी गाइस बस मैं अब लेमन ग्रास कट कर लिया है, अब इसको धो के ऐसे रख दूंगी और फिर जब ड्राई हो जाएगी फिर उसे कट करके इसको बॉटल के अंदर भर के रख दूंगी और फिर वो आप आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूंगी, वो आपको दिखाऊंगी कैसे फिर ड्राई हो जाती है और फिर किस तरह आपको सेव कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने और फिर उसके बाद हम लोग मैं और मेरे बेबी थोड़ा सा फन टाइम करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मगरिब हो जाएगी, मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग वॉक करने जाएंगे और बस इसी तरह सिंपल सा डे था मेरा और मैंने कहा चलें ये इस तरह की रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। मैं आराम से फ्रूट खा सकती हूँ और मैं फ्रूट खाऊंगी फिर उसके बाद मगरिब हो जाएगी फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पर। अब्दुल्ला जोहर से पहले तक तकरीबन उठा है और अभी उसका अभी सोने का कोई मूड नहीं है तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं अभी अपना टाइम कंज्यूम कर सकती हूँ, कुछ पढ़ सकती हूँ और साथ फ्रूट्स खा सकती हूँ और जो थोड़ा बहुत काम करना वो कर सकती हूँ। कपड़े भी वॉश किए हुए हैं, उसको भी मैंने उठाना है वहाँ से और फिर उसको ड्राई के लिए डालना है और फिर उसके बाद मैं मशीन को वाइंड अप करती हूँ तो स्विच वगैरह बंद करने का ऐसा कुछ ख़ास काम नहीं क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें ऐसा कोई काम नहीं होता, बस आपने पानी डालना है, पानी बल्कि खुद डल जाता है, बस आपने नंबर्स के साथ नंबर्स लिखने हैं उसमें कितना पानी क्या है कितना सर्फ डालना है वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो बस ये कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं उसको ड्राई के लिए डालूंगी और साथ फिर उसके बाद फ्रूट्स खाऊंगी और कुछ पढ़ना हुआ तो कुछ पढ़ लूँगी। सो गाइस तब तक के लिए आप रेस्ट करें। गाइस ये देखें यार बेल कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये देखें जी इस बेल ने अपने काम दिखा दी, ये इतनी ज़्यादा अपनी मर्जी से बढ़ती रहती है लेकिन उस कोने तक पहुँच गई है। जी बेबी गाइस ये रात का खाना खा चुकी हूँ और अब मैं ग्रीन टी का कावा पीने लगी हूँ, कुछ कावा ग्रीन पत्तों का कुछ ऐसे बनेगा, इसको मैंने ज़्यादा पका लिया है और अब मैं इसको छान लूँगी और आपका कावा रेडी है। साइड पे जाओ गाइस, मैं अब वॉक करने आई हुई थी रात मुझे 9:30 हो रहे हैं और मैं वॉक ग्रीन टी पी के वॉक करने आ गई हूँ और अब्दुल्ला भी साथ है, मेरे हस्बैंड भी साथ हैं तो बस अब हम वॉक कर रहे हैं उसके बाद घर। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेली की ब्लॉग शेयर करूं कि मैं डेली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही हूं तो फिर मैं आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसे वीडियोस शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइक एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस माई न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेगीबान।